हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए माइक्रेम की बैग लेके आई हूँ, साइड बैग लेके आई हूँ। बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि डालने के लिए, और मैंने डिले हो गया बहुत, इसलिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बीमार थी और इस वजह से वीडियो डालने में बहुत देरी हो गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आज हम बैग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए दो कलर के माइक्रेम। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और हमारी बैग के अंदर की जो लाइनिंग है, जो पॉकेट है, उसे बनाने के लिए हमें ये कपड़ा चाहिए। ये बैग की दुकान में इजीली अवेलेबल होता है। आप जाके वहाँ पे कह सकते हैं कि हमें बैग की लाइनिंग चाहिए, तो आपको ये कपड़ा मिल जाता है। तो हम इससे पॉकेट बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए रनर और जिप। मैंने यहाँ पे दो जिप यूज़ किए हैं। आप चाहे तो सिंगल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल लगाऊंगी। और ये हमारा रनर है, ये मीटर के हिसाब से मिलता है। मैंने इतना लिया है, मतलब इतना नहीं लगेगा। मैं बाद में जब हमारी बैग बन जाएगी तो उसके साइज़ के अनुसार मैं इसे कट कर लूँगी और बचा हुआ मैं रख दूँगी। और इसके बाद हमें बैग को, मतलब बेल्ट हैंग करने के लिए हमें दो साइड में दो हुक चाहिए। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में अवेलेबल है। ये सर्कल में भी मिलते हैं, रेक्टेंगुलर मिलते हैं, और इसी तरह से यू शेप में भी मिलते हैं। तो आप अपने चॉइस से ये ले सकते हैं। ये भी बैग के शॉप में इजीली अवेलेबल होते हैं। और ये हुक, इसे एक्सटेंशन हुक कहते हैं। कुछ लोग इसे डॉग हुक भी कहते हैं। तो इस तरीके के हमें दो हुक चाहिए। ये भी बैग की दुकान में इजीली अवेलेबल होता है। और एज यूजुअल सीजर, लाइटर, और हाँ, आज मैं मेजर टेप दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक कॉर्ड मेजर करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी कॉर्ड है। हमें बैग बनाने के लिए जो भी, जितने भी कॉर्ड लगेंगे, वो सभी हमें 3.5 मीटर के लेने हैं। यहाँ पे मैं एक बात और बताने चाहती हूँ, क्योंकि लोग कुछ कभी कभी कहते हैं कि कम पड़ जाता है या फिर ज़्यादा पड़ जाता है। तो मैं हो सके उतना जॉइंट अवॉइड करने के हिसाब से मेजरमेंट लेती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉर्ड लंबे रह जाते हैं और कुछ छोटे हो जाते हैं, तो मुझे भी कभी कभी जॉइंट करना पड़ता है, या फिर कभी कभी मेरा ज़्यादा बच भी जाता है। तो इसलिए मैं मेजरमेंट तो बताती हूँ, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होगा तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट दे सकती हूँ। क्योंकि जब मेरा ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है, तब मुझे इसका कंप्लीट, मतलब मेजरमेंट पता चल जाता है। तो अगर मैंने ज़्यादा लिया तो मैं आपको बताऊँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि इसे कम कीजिए, या फिर ये कम पड़ा तो मैं आपको एग्जैक्ट इसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकती हूँ आपको। तो देखिए, ये हमारा सेंटीमीटर है और ये इंचेस है। तो हमें मीटर में लेना है, इसलिए हम सेंटीमीटर में इसे मेजर करेंगे। मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे व्यूवर्स ने कहा है कि आप किस तरह से मेजर करते हो वो दिखाइए, इसलिए मैं आपको एक कॉर्ड मेजर करके दिखाऊंगी। और हाँ, कुछ लोग मुझे बंडल कितने लगते हैं वो भी पूछते हैं, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके हर क्वेश्चन का जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा होगा, आप प्लीज़ वहाँ पे चेक कर लीजिए। तो देखिए, 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। तो देखिए, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो हमें चाहिए अभी 3.5 मीटर। तो अभी मैंने इसे डबल किया तो ये हो गया 2 मीटर। अभी मैं फिर से इसे टर्न करके लूँगी तो ये हमारा हो गया 3 मीटर। तो अब हम चाहे तो इसको इस तरह से हाफ करके और आधा मेजरमेंट ले लेंगे तो 3.5 मीटर हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखिए, मैं यहाँ पे फिर ये जो हमारा 3 मीटर है, उसके आगे मैं 0.5 मीटर मेजर कर लूँगी। देखिए, 50 मीन्स 0.5 मीटर। तो यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। तो टेप का काम तो अभी हो गया।
तो हमें अभी एक कॉर्ड मिल गई है 3.5 मीटर की, तो अभी हम इसे ही लेके सारे कॉर्ड कट कर लेंगे, वाइट और पिंक, डार्क पिंक दोनों हम इसी कॉर्ड से मेजर कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी कॉर्ड 3.5 मीटर के कट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसे जॉइन किस तरह से करते हैं। ये हमारे सिंगल कॉर्ड है, इसे मैंने देखिए यहाँ पे डबल किया। यहाँ पे इसका हाफ सर्कल बना लिया है। मैं और एक कॉर्ड लूंगी, सेम इसी तरह से इसे भी डबल कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे और एक सर्कल मिल गया, तो ये सर्कल मैं इसके अंदर डालूंगी इस तरीके से, और ये ऊपर वाला सर्कल देखिए इस तरीके से। फिर मैं इसे जैसे कि हम सिंपल नॉट लगाते हैं उसी तरह से मैं एक साइड से करूंगी। यहाँ से निकालूंगी, टाइट कर दूंगी और इसे थोड़ा सा पुश कर दूंगी। देखिए तो ये हमारा कॉर्ड जॉइन हो गया। मैं और एक आपको बताऊंगी वाइट में। देखिए डबल कर लिया मैंने दोनों को। अब मैं इसे इसके अंदर डालूंगी इस तरीके से, और ये ऊपर वाला हुक ऐसे। फिर हम सिंपल नॉट लगाते हैं उसी तरीके से, लेकिन मैं एक ही साइड से इसे डॉट लगाऊंगी और इसे टाइट कर दूंगी और थोड़ा सा पुश कर लूंगी, तो ये जॉइन हो गया। तो हमें सभी कॉर्ड इसी तरीके से जॉइंट करने हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से ये सब जॉइंट कर लिए हैं। अब मैं आपको इसे अटैच करना बताऊंगी। देखिए ये यहाँ पे मैंने दोनों कलर के दो दो कॉर्ड लिए हैं। तो देखिए ये हमने दो कॉर्ड लेके इसे अटैच किया था, तो ये हमें 4 यहाँ पे सिंगल 4 मिल गए और ये भी 4 है। तो देखिए अभी मैं ये और ये दोनों अटैच करूँगी, तो इसके लिए मैं ये साइड वाले दो छोड़ दूँगी और इस साइड वाले ये दो छोड़ दूँगी, और ये बीच वाले जो है उनको लेके मैं फिर से यहाँ पे सिंपल नॉट लगाऊंगी। बाद में इस तरह से खींच लेंगे तो ये फिट हो जाएगा। देखिए सेम इसी तरह से हम ये वाइट वाला भी कर लेंगे। इसके दो और इस साइड के दो इनको मिला के यहाँ पे सिंपल नॉट लगा लेंगे।
से खींच के टाइट कर देंगे। तो देखिए ये हमने दो पॉट इस नॉट से अटैच कर लिया, तो यहाँ पे हमें 8 कॉर्ड मिल गए हैं। इसी तरह से हमने ये पिंक वाला भी किया है। तो अभी देखिए ये जो हमने व्हाइट वाला किया था इसके साइड वाले दो कॉर्ड और इस पिंक वाले के साइड वाले दो कॉर्ड लेके हमें यहाँ पे सिंपल नॉट लगाने हैं। फिर इसे भी खींच लेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमें ये कलर कॉम्बिनेशन करना है जो कि हमने पहले ज्वाइन करके लिए है, वैसे कॉर्ड हमें यहाँ पे 2 लेने हैं, फिर यहाँ पे वाइट 2 लेने हैं, फिर यहाँ पे फिर से पिंक लेंगे हम, उसके बाद में फिर से वाइट। इसी तरह से हमें पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ ये साइड बैग है इसलिए इसका जो चौड़ाई है और हाइट जो है वो मैं मीडियम रखूँगी। अगर आपको इसे थोड़ा बड़ा ना हो तो आप अपने चॉइस से इसे ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये भी हमारा दो पॉट को हमने यहाँ पे एक नॉट लगा के ज्वाइन कर लिया है। अभी हम ये कॉर्ड इस वाइट वाले कॉर्ड से अटैच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे फिर से व्हाइट कॉर्ड लगाने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाए उसी तरह से हमें यहाँ पे व्हाइट कॉर्ड लगाने हैं। और इसी तरह से हमें पिंक व्हाइट का कॉम्बिनेशन करना है। और आपको जितना सर्कल चाहिए बैग के लिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड बेल्ट वाली बैग है तो इससे ज़्यादा हाइट नहीं होती और ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती जैसे कि बड़े बैग होते हैं। तो ये मैं मीडियम रखूँगी, ना ही क्लच का साइज़ और ना ही बड़े बैग का साइज़, इसे मैं मीडियम बनाऊँगी। आपको अगर इसकी चौड़ाई और हाइट बढ़ानी हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इसी तरह से ये सारे कॉर्ड हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सभी कॉर्ड इससे अटैच कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो ये डार्क पिंक कलर है इसके मैंने 40 कॉर्ड लिए हैं, सिंगल कॉर्ड 3.5 मीटर का है, 3.5 मीटर की कॉर्ड है, पिंक कलर के 40 कॉर्ड लिए हैं। और जो वाइट वाला है वो भी मैंने 40 कॉर्ड सिंगल लिए हैं। सिंगल कॉर्ड का मैं आपको बता रही हूँ ये 40 है और ये 3.5 इंच की है, 3.5 मीटर की है, 3.5 मीटर की है, टोटल 40 है। तो दोनों मिला के टोटल हमारे कॉर्ड 80 है। तो मुझे देखिए इतना सर्कल चाहिए था इसलिए मैंने 40 यूज़ किए, मतलब 80 कॉर्ड मैंने यूज़ किए। आपको अगर ये बढ़ाना होगा तो आप एक्स्ट्रा और कॉर्ड ऐड कर सकते हो, या फिर घटाना होगा तो भी आप इससे मतलब थोड़े कॉर्ड कम ले सकते हो। तो देखिए अभी ये हमारा लगा के तो हो गया कॉर्ड, अभी देखिए यहाँ पे मैं इसे ज्वाइन करूँगी। ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला दो कॉर्ड हमने यहाँ पे छोड़े हैं
ये और इस जो ये जो एंड है भाग के दो कॉर्ड, इसे लेके जैसे कि हमने अब तक लगाए हैं वैसे ही सिंपल नॉट यहाँ पे हम लगाएंगे। देखिए ये हमारा राउंड बन के रेडी है। अभी हमें यहाँ पे चार पांच लाइन तक, चार या पांच लाइन तक हमें इसी तरह से सिंपल नॉट लगाना है। चार चार कॉर्ड लेके हमें यहाँ पे सिंपल नॉट लगाना है। थोड़ा खींच के टाइटली लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पहले जब हमने ये ऊपर के कॉर्ड जॉइन किए थे तब हमारी एक नॉट की लाइन हो चुकी थी। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारी एक लाइन हो चुकी थी, उसके बाद में मैंने और एक लाइन कंप्लीट की थी। अभी मैं थर्ड लाइन कर रही हूँ। तो देखिए थर्ड लाइन करते वक्त, एक मिनट, हाँ देखिए थर्ड लाइन करते वक्त मैंने यहाँ पे एक रिंग लगाई है। जैसे कि हम मतलब मैंने बहुत वॉल पीस दिखाए थे झूला वगैरह, उसमें हम जैसे रिंग को कॉर्ड अटैच करते हैं उसी तरह से मैंने ये अटैच की है और थोड़ा लूज़ किया है क्योंकि ये मूवेबल रहे इसलिए। तो सेम इसी तरह से हमें इस साइड में भी रिंग अटैच करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिंग अटैच की, तो मैंने इसका सेंटर निकाला और ये हमारा सेंटर मिल गया हमें। तो यहाँ के मैं ये नॉट लगाते हुए यहाँ तक आई हूँ। जैसे कि ये दो नॉट है, इसके बीच वाला नॉट, इस तरीके से मैं नॉट लगाते हुए यहाँ तक आई हूँ। मैंने ये दो नॉट के बीच में ये नॉट लगाया। तो देखिए अभी ये दो नॉट जो है उसके बीच वाला जो नॉट है वो मैं नॉट नहीं लगाऊंगी, वो जो चार कॉर्ड है मैं उसे लूँगी। देखिए ये जो चार कॉर्ड है इस पर हमें रिंग अटैच करनी है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, वो रिंग हमें यहाँ पे अटैच करनी है। तो देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे रखूँगी, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊँगी। देखिए मैंने फर्स्ट कॉर्ड लिया, इसके ऊपर इसके बीच से लूंगी इस तरीके से। फिर मैं वही कॉर्ड डबल इसमें डालूंगी। तो ये नॉट लग गया। फिर से सेकेंड कॉर्ड मैंने लिया,
मैंने थर्ड कॉर्ड लिया, मैंने थर्ड कॉर्ड फिर से इसके अंदर डाला, देखिए यहाँ पे रिंग अटैच हो गई। अब हम फिर से आगे फिर से उसी तरह से दो नॉट के बीच के कॉर्ड लेके देखिए नॉट लगाएंगे, जैसे कि हम पूरा राउंड लगाते आ रहे हैं उसी तरह से आगे भी लगाएंगे। तो ये हमारी रिंग लग चुकी और आगे हम फिर से यही सब कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे चार लाइन तक ये डिज़ाइन ही कंटिन्यू की है। तो अभी हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे, यहाँ से हमारी ओरिजिनल डिज़ाइन स्टार्ट होगी जो हमारी पर्स की है। तो उसके लिए देखिए कोई भी कलर का कुछ भी मतलब कॉलम लीजिए ऐसा कोई भी कलर। तो देखिए मैंने ये वाइट लिया, और उसमें से ये लास्ट वाले दो है उनको मैं लूंगी और बाकी सब मैं छोड़ दूंगी। अभी ये मेरे पास दो है उसमें से भी मैं एक ही लास्ट वाला छोड़ दूंगी, और ये मेरा एक्चुअल वायर होगा तो मैं ये वायर इस पे लपेट दूंगी। तो ये मैं पहली कॉर्ड लूंगी और ये इसके आगे वाला जो कॉर्ड है ये इस पे मैं टर्न कर दूंगी। तो देखिए ये हमारी बैग मैंने यहाँ तक ही डिज़ाइन की है। ये किस तरह से करते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। वेरी सिंपल है, ये मैं कंटिन्यूशन में दिखा रही हूँ, लेकिन वैसे तो आप स्टार्ट कर रहे हो तो भी इसी प्रोसेस से कीजिए। ये देखिए हमारे यहाँ पे दो नॉट है, तो ये टोटल कॉर्ड हमारे यहाँ पे आठ है। देखिए आठ कॉर्ड है, इसमें से हम दो पार्ट करेंगे इसके चार चार के। तो ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। तो ये जो चार वाला पार्ट है इस साइड का, इसका पहला कॉर्ड हम लेंगे इस तरीके से, और ये जो चार हमने यहाँ इस साइड में रखे थे इसे लेके नॉट लगाएंगे। अब स्टार्ट करते हो तभी इसी तरह से स्टार्ट कीजिए, यही प्रोसेस है।
देखिए मैंने यहाँ के जो चार कॉर्ड थे उसे डिज़ाइन की है। अभी ये डिज़ाइन हमें यहाँ पे कंटिन्यू करनी है, तो मैं ये जो यहाँ पे जो कॉर्ड है हमारे डिज़ाइन से आए हुए वो लेके सेम वही डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी फिर से। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से लाइन बनती जाएगी दो कलर की। देखिए यहाँ पे भी अभी वाइट बन रही है और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे पिंक बन रही है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने यहाँ जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है, देखिए ये चार लाइन चार कॉर्ड की मैंने यहाँ पे देखिए उसी तरह से स्टार्ट किया है। उसके बाद में मैंने आगे का एक कॉर्ड लेके से स्टार्ट किया सेम कंटिन्यू। तो ये चार यहाँ पे हो गए, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया मैंने इसमें दो पार्ट करके सेकेंड पार्ट वाला फर्स्ट कॉर्ड लिया, तो मैंने यहाँ पर भी सेम वही किया है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन मिल गई। तो थर्ड में भी सेम मैंने प्रोसेस रिपीट किया, तो इस तरीके से ये हमें लाइन मिलती चली गई और इस तरीके से ये बढ़ते चला गया और सेम वही प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे एंड हो गया, अभी फिर से हमें यहाँ पे जाना है। हमने इस पार्ट को दो भाग में डिवाइड किया था और यहाँ पे जो हमारे चार कॉर्ड बचे थे उसमें से हमने एक कॉर्ड यहाँ पे यूज़ किया। अब यहाँ पे हम सेकेंड कॉर्ड यूज़ करेंगे इस तरीके से। सेम यहाँ पे इसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी सेकेंड लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारे यहाँ पे दो कॉर्ड बचे हैं, उसमें से मैं थर्ड कॉर्ड लूंगी और ये सेम डिजाइन फिर से रिपीट करूंगी।
तो देखिए थर्ड लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा लास्ट कॉर्ड बचा है, उसे भी लेके हम वही डिज़ाइन फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दो पार्ट किए थे और एक पार्ट के जो चार कॉर्ड थे उनको लेके हमने ये डिज़ाइन बनाई है। अब यहाँ पे भी हमें सेम उसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पे भी आठ कॉर्ड है, ये चार कॉर्ड छोड़ देंगे और ये जो चार कॉर्ड है इसका जो पहला वाला कॉर्ड है उसे लेके हमने जैसे कि यहाँ पे किया था उसी तरह से यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हम रिपीट कर देंगे। देखिए अब ये जो थर्ड वाला है इसे भी लेके हम यहाँ पे सेम डिज़ाइन रिपीट करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ से थर्ड कॉर्ड लेके भी यही डिज़ाइन करनी है और फोर्थ कॉर्ड लेके भी यही करना है। फिर से यहाँ पे वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, इसके दो पार्ट करके ये फर्स्ट वाला यहाँ का लेके फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ ऐसे करते हुए ये राउंड हमें पूरा करना है। देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो हमारी डिज़ाइन यहाँ पे अभी इस तरीके से बन गई है। ये आधी बाकी है, तो हमने यहाँ से ये स्टार्ट किया था, तो देखिए यहाँ पे इसे एंड हो गया। तो इसके जो कॉर्ड बचे थे देखिए इस तरीके से,
और इसके इस तरीके से लंबे आए थे। देखिए ये अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो हमारा कॉर्ड है साइड वाला, उसे इस तरीके से लेकर, और ये जो हमारे यहाँ से कॉर्ड आए हैं उसे सेम उसी तरह से डिज़ाइन करके इसे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा देखिए पूरा सर्कल रेडी हो जाएगा। और अभी हमें ये सभी कॉर्ड इसी तरह से अटैच करने हैं, तो ये बैग कंप्लीट ढक जाएगी डिज़ाइन से हमारे। तो इसी तरह से ये करते जाना है नीचे तक। देखिए मैं और एक आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो ये जो आड़े कॉर्ड आए हैं इसे इस तरीके से लेकर, और यहाँ से जो कॉर्ड आते हैं उसे लेकर हमें यहाँ पे सेम डिज़ाइन करनी है, और वही कंटिन्यू नीचे तक जितनी हमें हाइट चाहिए वहाँ तक हमें ये डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए हमारी ये बैग यहाँ तक बन के रेडी है, ये हमारी हाइट हो गई। आपको अगर हाइट कम चाहिए तो कम कर लीजिए, या फिर और बड़ा नहीं है तो बड़ा भी सकते हैं। और देखिए अभी हमें नीचे इसकी एंडिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने रिंग लगाई है वहाँ से मैंने सेंटर निकाला, और फिर यहाँ पे मैंने ये जो चार कॉर्ड है, ये चार कॉर्ड मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि देखिए ये हमारी डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह के हाफ ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गैप रहता है इसमें मैंने नॉट लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नॉट लगा, फिर यहाँ पे सेकंड, थर्ड, इस तरीके से ये गैप यहाँ पे भर गया और एक कंप्लीट ये लाइन बन गई नॉट की। इसी तरीके से मैंने इस जितने भी यहाँ पे गैप आए उसमें मैंने नॉट लगाया है। तो ये जो हमारा ये इसका सेंटर आएगा वहाँ से मैंने चार नॉट काउंट किया है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, तो मैंने ये चार नॉट काउंट करके उसके बाद में मैंने यहाँ पे ट्रायंगल किया, फिर यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से मैंने ये ट्रायंगल कर लिया। सेम इसी तरह से देखिए यहाँ पे रिंग है तो मैंने यहाँ पे 4 का ट्रायंगल कर लिया। सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी देखिए रिंग का सेंटर निकाला, और यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से ट्रायंगल कर लिया 4, फिर 3, फिर 2, 1, इस तरीके से। वो बाकी जो बचे हुए हैं वो देखिए मैंने यहाँ पे नॉट लगाया, 3 लाइन तक ये नॉट लगाए हैं। लेकिन ये 3 लाइन नॉट लगाते वक्त मैंने यहाँ से इसे देखिए एक एक कम किया है मैंने, और इसे ट्रायंगल का शेप दिया है, और यहाँ पे मैंने 3 लाइन नॉट लगाया। मैं सेम उसी तरह से यहाँ पे भी नॉट लगाऊंगी। तरह से सिंपल नॉट लगाते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है, और इसी तरह से हमें यहाँ पे 3 लाइन नॉट लगाना है। लेकिन नॉट लगाते वक्त हम एक एक नॉट कम करते जाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये 3 लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो हमारा यहाँ से ट्रायंगल बन गया, और यहाँ से भी ट्रायंगल बन गया, और ये 3-3 लाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हम इस बैग को उल्टा करेंगे। यहाँ पे एक छोड़ के एक कॉर्ड लेना है हमें। बैग का जो एंडिंग है वो किस तरह से करते हैं
वो मैंने पिछले दो बैग की वीडियो में डिटेल में दिखाया है। टाइट कस के एक एक कॉर्ड छोड़ के मैंने इस तरह से इसे डबल लॉक किया है। मेरे पहले वीडियो में मैंने ये डिटेल में दिखाया है, क्योंकि ये बैग थोड़ी मतलब वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ये शॉर्ट में दिखाया आपको। इसका भी डिटेल वीडियो है डाला हुआ, आप वो देख लीजिए। अभी मैं इसे जला, आप इसे चाहो तो जलाकर यहाँ पे लॉक कर सकते हो, या फिर ऐसे ही छोड़ दे सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर तो कपड़ा आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो लॉक कर दीजिए इसे, या फिर ऐसे ही जलाकर थोड़ा सा, ताकि इसके धागे ना निकले। ये लॉक हो गया, अभी हम इसे फिर से सीधा कर लेंगे। तो देखिए, अभी मैंने इसे सीधा कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा लॉक हो गया। अगर आप फिनिशिंग से एकदम लॉक करेंगे तो इस तरह से ये एकदम मतलब सीधा जब करेंगे तो एकदम फिनिशिंग दिखेगा। आप जब एक का कॉर्ड छोड़ के एक कॉर्ड हम लेते हैं तब वो ठीक से कीजिए। जो छोड़ा हुआ कॉर्ड है वो डबल लॉक करते वक्त उसे ही लेके अगर आप करोगे तो ये एकदम फाइन दिखेगा जॉइंट। और देखिए, इस तरीके से ये हमारी बैग तो रेडी हो गई है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने दो हुक लगाए, इसलिए मैं इसे साइड बेल्ट करूँगी। और इसका जो इनर पॉकेट है वो भी मैं आपको किस तरह से बनाना है वो बताऊँगी। तो अभी हम फिलहाल बेल्ट की तैयारी करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें इस तरह के एक्सटेंशन हुक चाहिए। मैं यही हुक यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो हम बेल्ट जो बनाएंगे हमारा, तो ये इसी पर हम अपना बेल्ट बनाएंगे। तो देखिए, हम बेल्ट
की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे दो कॉर्ड लगाए हैं इसे, ये हमारे 3.5 मीटर के कॉर्ड हैं। हमें आपको जितना बेल्ट जितनी बेल्ट की हाइट चाहिए होगी आप उस अनुसार इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ 1 मीटर का बेल्ट, रेडी बेल्ट 1 मीटर का बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने ये 3.5 मीटर का लिया है। अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो मैं इसका एक्चुअल मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ पर देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर इस तरीके के 4 कॉर्ड लगाऊँगी, मेरे सभी कॉर्ड 3.5 मीटर के ही है। तो देखिए, जैसे कि हम वॉल पीस बनाते वक्त रिंग को लगाते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पे इसे ये कॉर्ड लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, जैसे कि हमने बैग को वाइट एंड डार्क पिंक लगाया है, तो आप यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। और आप मतलब ये बेल्ट जब हम बनाते हैं इसके डिज़ाइन में आप बीट्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने बीट्स यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये शोल्डर बैग है, ये बेल्ट अपने शोल्डर पर आ जाएगा, तो इसमें अगर आप बीट्स डालेंगे तो कंधे पे जब हम पर्स लेंगे और पर्स में कुछ हेवी रहा तो वो चुभता है शोल्डर पर, इसलिए मैं यहाँ पर बीट्स नहीं डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 4 कॉर्ड ऐड किया है इस पर, इस हुक पर, और मैंने यहाँ पे 2 सिंपल नॉट लगाए हैं। अभी हम देखिए इसके 2 पार्ट करते हैं। अब ये जो पार्ट है इसका ये मिडल वाला 1st कॉर्ड मैं इस तरह से लेती हूँ और ये इसके ऊपर। ये वाला जो 1st कॉर्ड है इसे लेके फिर से नॉट लगाऊंगी। जो बीच वाला है इसमें हम बीट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी, मैं यहाँ पे इसी तरह से सिंपल नॉट लगा दूंगी।
है, यहाँ से ये आया तो मैं यही से ये कंटिन्यू करूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ से ये कंटिन्यू किया था, अब मैं यहाँ से ये कंटिन्यू कर रही हूँ। और इसी तरह से हमें सेम यही डिज़ाइन पूरी बेल्ट बनानी है। आपको जितनी बेल्ट की हाइट चाहिए आप उस अनुसार ये डिज़ाइन बनाइए। देखिए ये हमारा बेल्ट बन के रेडी है। ये मेरा बेल्ट मैंने 1 मीटर का बनाया है, आपको इसकी जितनी हाइट चाहिए, क्योंकि मैंने जो बैग बनाई है वो साइड बेल्ट की बैग है, तो अक्सर ऐसे बैग को बेल्ट लंबे रहते हैं वो वन साइड बनी जाती है, तो इसलिए मैंने इसका बेल्ट 1 मीटर तक किया है। और अभी मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक हुक लगाया था, उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे दो नॉट लगा के ये डिज़ाइन स्टार्ट की थी, तो देखिए मैंने यहाँ पे एंड भी वैसे ही किया है, यहाँ पे दो नॉट लगाया है और फिर मैं अभी इसे हुक लगा रही हूँ। जैसे कि हम कोई भी वॉल पीस पर रिंग जिस तरह से अटैच करते हैं हमें ठीक उसी तरह से करना है। देखिए मैं ये कॉर्ड, पहले मैंने ये हुक इस कॉर्ड के ऊपर रखा है और ये कॉर्ड मैं इसके अंदर से लूंगी। देखिए ये दो कॉर्ड मैंने छोड़ दी है, क्योंकि ये मेरा बुक जो है छोटा है और इस पर ये सभी कॉर्ड आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने ये दो कॉर्ड छोड़ दिए हैं। अगर आपको बुक बड़ा मिल जाए तो आपके सारे कॉर्ड इसमें आ सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने ये सब कॉर्ड इसके अंदर ले लिए हैं, अब मैं इसे यहाँ से बाहर निकालूँगी। देखिए हम इस बैग को, ये बेल्ट इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए ये हुक होता ही इसलिए, इसीलिए इसे एक्सटेंशन हुक कहते हैं। इसे इस तरह से प्रेस करेंगे हम तो इसे अंदर डाल सकते हैं। बनके रेडी है, अभी हमें इसके अंदर जो पॉकेट आता है इनर पॉकेट उसे स्टिच करना है, तो मैं अभी आपको वो बताऊंगी कि वो किस तरह से स्टिच करना है।
करके इस तरह से हमारे पॉकेट बन के रेडी है। मैंने यहाँ पे दो जिप लगाए हैं, आप यहाँ पे चाहो तो एक भी जिप लगा सकते हो। और इसके अंदर देखिए हमारा ये पॉकेट, देखिए ये खोल देंगे तो इसके अंदर दो पॉकेट हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टीशन दिया था इसे, तो यहाँ पे एक पॉकेट हो गया और यहाँ पे एक हो गया। तो ये हमारा अंदर का पॉकेट हो गया और ये बाहर का। इस तरह से पॉकेट रेडी है। अगर आपको सिलाई आती नहीं हो या फिर आपके घर में मशीन ना हो तो प्लीज़ डोंट वरी, ये पॉकेट रेडीमेड मार्केट में इजीली मिल जाता है। आप बाहर से इसे रेडीमेड ला के भी अपने बैग में लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारी बैग है। तो देखिए अंदर का जो है मैंने वो मतलब जलाकर लॉक नहीं किया, सिर्फ जलाकर छोड़ दिया है ताकि उसके धागे ना निकले, क्योंकि उसके ऊपर अभी हमारा ये पॉकेट आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है कि उसे मतलब लॉक क्यों नहीं किया वगैरह। देखिए इसे अभी इस तरीके से अंदर डालेंगे, जिप खोल देंगे। और इसे अंदर अच्छे से सेट कर लेंगे पहले। जी थोड़ा आगे ले लेती हूँ। तो देखिए ये हमारा कॉर्नर है, तो यहाँ पे हम जिप का कॉर्नर लाएंगे, सुई धागे से इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इसे अंदर से डालती हूँ। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो अब हम यहाँ से स्टिच करते चलेंगे। अंदर ही रखेंगे ताकि हमारा पॉकेट बाहर ना दिखे। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, ये जो मैंने पॉकेट यूज़ किया ये ब्लैक कलर का कपड़ा है, ये बहुत सारे कलर्स में भी ये मिल जाता है। तो आपकी अगर बैग कौन से कलर की हो आप उस कलर का भी मतलब कपड़ा लाके इसे स्टिच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक लगाया है।
तो देखिए इस तरीके से हमें ये पूरा सर्कल स्टिच करके ये पॉकेट इससे अटैच करना है। देखिए तो इस तरह से ये हमने पॉकेट इस बैग से अटैच कर लिया है। मैंने यहाँ पे दो जिप लगाए हैं, आप यहाँ पे चाहो तो एक ही सिंगल जिप लगा सकते हो। देखिए इस तरह से हमारी ये बैग बन के रेडी है। अभी हम इसे फाइनली बेल्ट लगाएंगे। इस बैग का जो भी मेजरमेंट है, अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया होगा तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जैक्ट मेजरमेंट दे दूँगी, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। और हाँ, इससे अभी मैं नेक्स्ट बैग जो डालूँगी वो हैंड बेल्ट होगा। बहुत लोगों ने उसके लिए भी मुझे कमेंट किया है, तो मैं ज़रूर डालूँगी और जल्द ही डालूँगी। देखिए इस तरह से हमारी ये बैग बन के रेडी है। देखिए यहाँ अंदर भी मैंने एक पॉकेट किया था। लास्ट टाइम मैंने जो क्लच डाली थी उसमें मैंने सिर्फ सिंगल एक पॉकेट बताया था, इस बार मैंने अंदर भी एक पॉकेट किस तरह से करते हैं वो बताया है आपको। और इस तरह से हमारी ये बैग रेडी है। इसके बाद में मैं और एक बैग डालने वाली हूँ, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने मुझसे वो भी रिक्वेस्ट किया है कि उनको हैंड बैग चाहिए, बीच में जो हैंडल आता है उस तरह की बैग चाहिए। तो हाँ, मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। एंड आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। और इस वीडियो के बारे में अगर कोई डिफ़िकल्टी हो, क्वेरीज हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है उसे क्लिक कीजिए, ताकि मैं जो कुछ नया वीडियो जो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।